हेलो गाइस, हाउ इट्स गोइंग ऑन दिस बॉय चेक्स। और फिर से जो एक नया नवेला रिएक्शन वाला वीडियो लेकर आज मैं रिएक्शन करने वाला हूँ एक स्टैंड अप कॉमेडियन का, अनुभव सिंह बस्सी। बस्सी सर का मैं बहुत ज़्यादा बड़ा फैन हूँ क्योंकि बहुत अच्छे से कॉमेडी करते हैं और हंसी की ज़रूरत आती है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा है, वीडियो का नाम है UPSC स्टैंड अप कॉमेडी फीचरिंग अनुभव सिंह बस्सी। सो ज़्यादा बात नहीं करते, स्टार्ट करते हैं वीडियो। आपको अगर रिएक्शन पसंद आया तो ज़रूर एक चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हमारा टारगेट 1000 सब्सक्राइबर है, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब टारगेट कम्प्लीट कर दीजिए। So, let's start. जितने लोगों ने अमेज़न वाला शो देखा उन्हें पता होगा कि मैं यूपीएससी की तैयारी करता था। तो ताली बजाने की बात है, सिर्फ तैयारी करता था, वो भी अभी सुनोगे आप क्या करता था मैं। मुझे ना बचपन से लगता था कि मैं IPS ही हूँ। मुझे लगता था बस ग्रेजुएशन करूंगा, मुझे हाथ में वर्दी पकड़ा देगा, जाओ ड्यूटी पे जाओ। हाँ, आए नहीं वो लोग। तो हम पांचों घर में पड़े रहते थे, तो मैंने एक दिन ऐसे बोला पंडित को, मैंने कहा पंडित तुझे याद है मैं कॉलेज में IPS बनना चाहता था। कह रहा हाँ, हम बहुत प्राउड फील करते थे। मैंने कहा क्यों? कह रहा भाई हम में से तो कोई चाहता भी नहीं था ना। गो लाइक दैट। मैंने कहा मैं सोच रहा हूँ IPS बन जाऊँ। कह रहा बन जा। मैं कैसे बनते हैं? कह रहा मुझे क्या पता। तो फिर हमने पता किया, एक डेढ़ महीना तो पता करने में लग गया। फिर हमें पता चला UPSC एग्जाम कराता है एक। UPSC तो पता होगा सबको, प्लीज। मैं ना पहले पूछता नहीं था UPSC के फुल फॉर्म, मुझे लगा ये तो पता ही होगी, पापा तो सबके घर में होते हैं, एक आधी बार तो बता ही देते ना कि UPSC कर लो। साउथ एक्स में शो कर रहा था, सामने एक लड़का बैठा, 12th में 96% आए थे उसके। मैंने उससे पूछा UPSC के फुल फॉर्म क्या? कह रहा उत्तर प्रदेश सुप्रीम कोर्ट। खड़े हो जाओ बेटा, भाग के जाओ, CBSE को 20% वापस कर जाओ। ये मेरे हो ही नहीं सकते, किसी और की गलती से चढ़ गए। मैंने कितने सुप्रीम कोर्ट है देश में? मेरा 5 तो होंगे ही। तेरा बाप खोल के बैठा। तो कह रहा हमें पता चला UPSC एग्जाम करा था, 3 पार्ट में होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो मैंने इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दी। मैं कहा ये कर लेते हैं, ये तो हो ही जाएगा, इसमें क्या है, फेस टू फेस देखते हैं क्या बात करेगा ये। तो 5-6 दिन मैंने फेसबुक से तैयारी करी इंटरव्यू की। नहीं गाइस, आई एम एक्सप्लेनिंग, फेसबुक पर क्वेश्चंस आते थे उस टाइम, ठीक है ना। हाँ, और ग्रुप्स में हर जगह आते थे, और हंसने की कोई बात नहीं इसमें क्योंकि बहुत टफ क्वेश्चन होते थे वो। हाँ, ऐसे इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे बोले कि खिड़की से कूद जाओ, तो खिड़की पर चढ़ के अंदर कूदना है। हाँ, चूते की तरह जान नहीं देते नहीं अपनी। पता चला वो लिख रहा आपका सिलेक्शन, मर गया क्या ये वाला भी? सुबह से 4 मर गए यार। क्वेश्चन बदलना पड़ेगा। ऐसे से 10-12 क्वेश्चन थे, मैंने सारे रट लिए। मैं कहा चलो इंटरव्यू तो हो गया, नॉलेज वाला घर पे बता दिया इंटरव्यू तो हो गया। इन चारों ने अपने अपने घर बता दिया बस एक इंटरव्यू हो गया। फिर इंटरव्यू के बाद मैंने प्रीलिम्स की तैयारी शुरू करी। प्रीलिम्स की तैयारी से जस्ट पहले मुझे किसी ने बताया कि अकेले रह के होती है, ऐसा झुंड में नहीं रहना होता है। तो मैंने इन चारों को बोला कि मैं अकेले रहना चाहता हूँ। इन्होंने मुझे बाहर निकाल के गेट बंद कर लिया। मैंने तुरंत थोड़ी ना कहा था, कह रहे नहीं हम निकल अब IPS बन के आइयो। मैं ठीक है आके अरेस्ट करता हूँ तुम सब। तो हमारे उस फ्लैट का नाम 5-स्टार था, तो मैंने अपना एक स्टार उतार लिया उसमें से। मुझे तो कंधे पे भी लगाना था ना अभी जाके। तो किसी ने बताया तैयारी मुखर्जी नगर में होती है, मैं वहाँ चला गया। जो लोग नहीं गए कभी मत जाना, और जो लोग वहाँ रहते हैं बताना मत। जैसे रोड है सीधी, बस वही है, उस पर यहाँ से वहाँ तक अखबार और किताबें बेच रहे लोग। तुम ऐसे शुरू में जाके एक तिल्ली मार देना। खत्म, मोहल्ला खत्म। और इतना मोमोज है ना उस रोड पे, पता नहीं कहाँ से आ रहा है, सरकार सब्सिडी पे दे रही है, जमीन से निकल जा रहा है। वहां चलते चलते पैर के नीचे मोमोज आ जाते हैं यार, जोर से सांस लो मुंह में आ जाता है कि अरे मेयो लगा के दो ना, क्या कर रहे थे। और तुम्हें नहीं पता कौन तैयारी कर रहा है वहां, सब कर रहे हैं। जिसका एग्जाम नहीं निकलता वो मोमोज लगा लेता। जाके देखा मैं, जगह तो बहुत मन से, पर कोई बात नहीं, सैक्रिफाइस कर लेंगे, IPS तो बनना है। जाके ब्रोकर से बात करी, एक तो दिल्ली के प्रॉपर्टी डीलर, इतने ओवर कॉन्फिडेंट लोग हैं यार, ये आपको बेच देंगे आप ही को।
कि कैश यहाँ रख दो, हाँ जाओ बेटा खुद के साथ जाओ और खुश रहना बेटा, ठीक है। मैंने कहा सर एक रूम देखना है, कह रहा आपको ऐसा रूम दिखाऊंगा मजा आ जाए। मैंने कहा आप पर्सनल क्यों हो रहे हो, सिर्फ रूम दिखाओ मजे मैं ले लूंगा। रूम दिखाने ले गया, सारी बिल्डिंग एक जैसी कभी भी गिर सकती हैं और लिफ्ट का कॉन्सेप्ट नहीं हुआ। हम एक बिल्डिंग में घुसे, हम सीढ़ी चढ़े और हम चढ़ते ही रहे। 3 घंटे बाद मैंने इसका हाथ पकड़ लिया। मैं कब रोकर भैया मजा नहीं आ रहा। मेरा आएगा अभी और चढ़ना है। मैं कहा आप चढ़ें, मैं कर रहा हूँ कोशिश। कह रहा नहीं नहीं चढ़ो। मैंने कहा आप चले चलो, मैं पीछे पीछे चल दिया। भाई ये नहीं रुका, मेरे जब तक प्राण चले मैं सीढ़ियां ही चढ़ रहा था। 3 दिन बाद मैंने इसका पैर ही पकड़ लिया। कर भैया सच्ची सच्ची बताना, वो वैष्णो देवी है? आई रहे थे तो कटरा पे चाय पिला देते एक बार। अब अगर इससे ऊपर जाने ना 2 पिट्ठू मंगा लो प्लीज। अब मैं अपने दम पे तो नहीं चढ़ पाऊंगा, मेरे दोनों घुटने खुल गए यार, मेरे लेफ्ट घुटने की एब्स बन चुकी थी। ये ले जाए जा रहा है क्या? मैंने आपसे ये थोड़ी ना कहा था मुझे एक रूम दिखाना और हत्या कर देना मेरी। अभी ये रोज करना पड़ेगा, यूपीएससी छोड़ो इसकी तैयारी कराओ पहले। भैया जो दिखाना है दिखा दो, भैरव बाबा तक नहीं जाएंगे। भाई उसने मुझे रूम दिखाया, वो रूम इतना बड़ा था, ये रेड वाला पार्ट देख रहे हो इसका आधा कर दो। उन्होंने ऐसे गेट खोला, कहता कम इन। मैं कहा वेयर टू गो नाउ, मैं कहा वेयर इज इन। कह रहा ये, मैं कहा सर हम इसके लिए चढ़ाई कर रहे थे। कह रहा यही है वो प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी खुदा का तो खौफ कर। मैंने वो पूरा देखा। मैं कहा सर कितने पैसे मिलते हैं यहाँ पे रहने के? कह रहा रेंट देना पड़ता है। मैं कहा इसका भी ले रहे हो तुम लोग? मैं कितना रेंट है? कह रहा 16,000 रुपए। मैं कितने साल का? कह रहा 1 महीने का। मैं कहा अच्छा। मैं कहा एक बात बताओ, 16,000 रुपए कैश आ जाएगा इसमें? मैं रेंट देने से पहले छिपाऊंगा कहाँ? कह रहा नहीं इसलिए महंगा, यहाँ ना लैंडलॉर्ड नहीं रहता। कहा 1 मिनट, वो यहाँ रहता तो मैं कहाँ रहता फिर? पहली बात तो जिसपे इतनी लैंड हो उसे लॉर्ड नहीं कहते। उसे लैंड पे ही छोड़ देते हैं। तो कह रहा नहीं बिल्डिंग में लैंड लॉर्ड नहीं रहता है, तो यहां ना तुम किसी को भी ला सकते हो। कहा फिर पर्सनल हो रहे हो यार, कौन मानेगा यहां आने को? किस पे होती 4 दिन की छुट्टी कि पहले 3 दिन चढ़ाई करे फिर मौत से उभरे फिर इस प्रॉपर्टी पे आए? यहाँ कुछ भी होगा कैसे ये तो बताओ, कैसे करेंगे? आओ करके बताओ मेरे साथ आज। कहाँ में से पोशंपा में खड़े जाएंगे, आप निकल जाना पीछे। सर कोई ढंग का रूम दिखा दो प्लीज, 4 दिन से साथ हैं हम लोग। फिर आओ बराबर वाली बिल्डिंग में दिखाता हूँ। मैंने कहा हाँ, और इस बार मैं नीचे से देखूँ। आप ऊपर जाएंगे, फोटो भेज देंगे, मैं सीढ़ी नहीं चढ़ूंगा। फिर हम इस बिल्डिंग से नीचे आए पैराग्लाइडिंग से। नीचे उतर के 2 मोमोज कुचले, फिर समझ में आया सॉफ्ट लैंडिंग के लिए रखे हुए इन्होंने। पूरे दिन हम ऐसी रूम ढूंढते रहे, कुछ पसंद नहीं आया। हर बार ऊपर जाके पासपोर्ट साइज फोटो भेज देता था। मैं कहा यहाँ नहीं रह पाऊंगा यार। तो मुझे किसी ने बताया कि राजेंद्र नगर में होती है तैयारी, वहाँ पे चले जाओ। तो मैं वहाँ आ गया, राजेंद्र नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर, हाँ ORN बोलते हैं उसको वहाँ पे सब। ऐसा लगता है कोई फैंसी रेस्टोरेंट है। मैं गया सेम वही, और भी बुरा हाल।
वहाँ भी सेम बिल्डिंग, वहाँ मेरा एक दोस्त रहता था एक्चुअली स्कूल का, मैंने उससे बात करी, उसने बोला मेरे फ्लैट में रूम खाली है, मेरे साथ शिफ्ट हो जा, मैं तुझे गाइड भी कर दूंगा। तो मैंने उससे पूछा इतनी औकात कब से होगी भी तेरी, तो कह रहा तू आ तो जा, मैं उसके शिफ्ट हो गया, मैं ब्रोकरेज बच जाएगी। उसका फ्लैट था कैलाश पर्वत के नीचे वाले फ्लोर पे, 7-8 दिन की चढ़ाई करके वहाँ पहुँचा, सारा सामान एक साथ लेके, मेरे कब तो एग्जाम वाले दिन ही उतरेंगे नीचे भाई, इसके साथ शिफ्ट हो गया। शिफ्ट होती समझ में आया लाइफ की ऐतिहासिक गलती करी मैंने, ये ना 4 साल से तैयारी कर रहा था, इस बात को 6-7 साल हो चुके हैं, अभी भी कर रहा है, एग्जाम नहीं निकला एक बार भी, दिल्ली में करोल बाग से लेके खीर गंगा तक एक भी गांजे का डीलर नहीं जो भाई को पर्सनली नहीं जानता, क्योंकि भाई ने सबको बता रखा था आईपीएस बन जाऊंगा तो लीगल करा दूंगा भाई। भाई इसके अलग इज्जत है उस मार्केट में, हम एक दिन माल लेने गए, वो कह रहा साहब आए हैं, ये साहब है कल नाली में मुंह था इनका, मैं घर लेके आया हूं। मैंने उसे बोला, मैंने कहा भाई गाइड कर दे, तो कह रहा बस रूटीन फॉलो करना, रूटीन फॉलो करेंगे हमारा हो जाएगा। मैं कहा तो तेरा क्यों नहीं अभी तक, कह रहा अकेला था ना रूटीन टूट जाता था, ऐसे दोनों भाई एक दूसरे को सपोर्ट करके रूटीन फॉलो करेंगे। मैं कहा ठीक, तो हमने रूटीन बना लिया, रूटीन के मुताबिक हम सुबह 11 बजे बियर पीने बैठ जाते थे, 3-4 बियर पीते हम आईपीएस बन जाते थे। मैंने कहा हाँ फील तो आ रही है, वो सितारा एक दूसरे कंधे पे लगा के देख रहे हैं, बात भी ऐसे कर रहे, ऑफिसर पीनट्स देना भाई, 7-8 बियर पी के तो पागल हो जाते थे हम। मैंने भरे मार्केट में इसकी तरफ देख के कर दिया, मैंने कहा सर आसपास वालों के मोमोज गिर गए, कौन है ये तो बॉक्सर्स में सल्यूट मार रहे यार। हम एक दिन नशे में खड़े हुए ऑटो वालों के पास जाके उनका चालान काट रहे थे ओवर स्पीडिंग का, वो कह रहा हूँ खड़े हैं, मैं कभी तो करी होगी, कानून से कुछ नहीं छिपता। एक तो साला हम आईपीएस बन के भी चालान काट रहे थे, हमें किसी ने बताया नहीं अलग काम होता इनका। जब बियर नहीं पीते तो माल फूक रहे होते थे, भाई ने बताया माल फूक के कॉन्सेंट्रेशन बनता है, कह रहा एक बार जो पढ़ो वो हमेशा के लिए दिमाग में रहता है, बस ये नहीं बताया कि दिमाग हमेशा के लिए चला जाता है। भाई मैं फूक के पढ़ने बैठा, मैंने कॉपी पे डेट डाली, एक तो मैं 26 साल का था उस वक्त, मैंने डेट क्यों डाली, कौन मेरी कॉपी चेक कर रहा है, और मैंने डेट डाली 10 फरवरी 1990। मैंने अगले दिन अपनी कॉपी देखी, मैंने मैं कब से पढ़ रहा हूँ भाई, इतना ज्यादा सिलेबस है क्या इसका। पूरे साल हम ये रूटीन फॉलो करते रहे, जिस दिन हमारा एग्जाम था सुबह एडमिट कार्ड लेके आया और एडमिट कार्ड पे क्रश करने बैठ गया। मैंने कहा यार कुछ तो शर्म कर ले, तेरे पापा का नाम लिखा है इस पे, जब तक इसे शर्म आती वो रोल हो गया, हमने फूक लिया, अब जाने का मन नहीं कर रहा। फिर हमने एक दूसरे को समझाया कि जाना तो पड़ेगा, देश को हमारी जरूरत है। भाई हम जा रहे थे, जाने से जस्ट पहले हमने शुभ काम के तौर पे 1-1 चम्मच दही चीनी खाई, वो इतनी बढ़िया लगी, हम आधा किलो दही चीनी खा गए। दही खा के नींद आ गई, और फिर जाने का मन नहीं कर रहा। फिर हमने एक दूसरे को समझाया कि देश को हमारी इतनी भी जरूरत नहीं है, अगले साल चलेंगे। हमने लगा हाँ वैसे भी इस साल इतनी अच्छी तैयारी भी नहीं है कि रैंक 1 और रैंक 2 आ जाए। फिर थोड़ी देर हमारी लड़ाई हुई, हमें से रैंक 1 किसकी आएगी, तो हमें लगा कि दोनों का सेम रूटीन फॉलो किया सेम रैंक आएगी, तो दोनों की रैंक 1 आ गई, दोनों एक दूसरे को कांग्रेट्स ऑफिसर बोल के सैल्यूट मार के सो गए। एक तो जो भी अपने पेरेंट्स आए या फिर पेरेंट्स के साथ आए ना, तो मैं बस पेरेंट्स को बता दूं कि फूक के मीठा अच्छा लगता है, कंटेक्स्ट दे रहा हूं बस जोक का और कुछ नहीं। तो अगर आपका बच्चा रात को 5 स्टार मांगे
झूठ नहीं है, भंड घूम रहा घर में। फिर 3-4 दिन बाद हम होश में आए तो हमने सेकंड ईयर की तैयारी शुरू करी। मैं इसको बोला, मैंने कहा भाई इस साल में बहुत सीरियसली पढ़ूंगा। कह रहा मैं तो हर साल सीरियसली पढ़ता हूँ। मैं कहा अच्छा सॉरी माय बैड भाई। एक दिन उसकी बुक्स देख ली, सच में बहुत सीरियसली, सेम बुक दो ले रखी इनने भाई, एडिशन भी अलग नहीं था वो। मैं कहा दो क्यों लेता है? कह रहा एक से पढ़ता हूँ एक से रिवाइज करता हूँ। मैं कहा ऑफिसर रैंक 1 आप रख लो, अकेले मैं 2 पे बहुत खुश हूँ। हमने कोचिंग वोचिंग में ज्वाइन कर ली, हमने एक बार देख के आते हैं कैसा पढ़ा रहे वो लोग। हमें ये था बस सुबह जब भी आँख खुलेगी कोचिंग जाएंगे, वापस आके रिवाइज करेंगे, पीने बैठ जाएंगे और 12 बजे तक सो जाएंगे रात को, एकदम हेल्दी लाइफ। तो यार वहां ना दो लोग जलते थे हमारी सक्सेस से, पढ़ने नहीं दिया उन्होंने, एक हमारा लैंडलॉर्ड एक हमारी मेड। हमारे लैंडलॉर्ड एक दिन ऊपर आए, पता नहीं कब चले थे नीचे से, हाँ के बोलते बेटा एक रिक्वेस्ट थी। मैं कहा लेते तो नहीं है पर बताओ क्या। कह रहा बेटा आपसे ना मोटर तुम चलाओगे। मैं कहा अंकल ये चेहरा आपको कहां से जिम्मेदार लग रहा है और किस टाइम? कह रहा सुबह 6:30 बजे। मैं कहा धक्का दूं के चले जाओगे ऐसे? हमारे नहीं बचते, तुम्हारी रात को 12 बजे जाती है मौत, अगले दिन पुनर्जन्म। उठे तो उठे, नहीं उठे तो चल बसे। क्या ऐसे बीच में नहीं उठते हम? करण नहीं बेटा समझा करो, हम बुजुर्ग हैं। मैं कहा हमने थोड़ी किया है, हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें? तो खैर मोटर तो पता है ना सबको, आपको पता है ना मोटर? हाँ बस ठीक है, दिल्ली में तो पता होता है भाई मुझे, मैं मुंबई में, मुंबई वालों को नहीं पता मोटर। पता नहीं सारे बाल्टी से समुंदर से भर के ला रहे हैं क्या। मैं मुंबई में शो कर रहा, सामने एक बंदी बैठी कहती व्हाट इज अ मोटर। मैंने बहुत जेन्युइनली पूछा, मैंने कहा मैम आपको मोटर नहीं पता? कहती नहीं। मैं कहा आपके घर पानी कहाँ से आता है? कहती टैप से। यार मुझे इतना रहीस होना है पास कि 1.5 मीटर के बाहर का सोच ही ना पाऊं, जो हो रहा है यही हो रहा है। ऐसे को टैप चलाई पानी गिर गया, यही कहां से आया, पापा सोचेंगे। तो खैर हम ये मोटर चलाने का टास्क ना लेने नहीं वाले थे, पर ये भाई को ज्यादा फील में था। कह रहा भाई ये टास्क हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। मैं कहा प्लीज इलैबोरेट। कह रहा देख अगले साल से तो ट्रेनिंग पर जल्दी उठना ही है। तुम देख रहे हो किस लेवल तक सेलेक्ट हो चुके थे, हम ऑलमोस्ट ड्यूटी पे थे, बस यूपीएससी को नहीं बता रहे बात को जाके। मैं कहा हाँ अगले साल से तो जल्दी उठना है। कह रहा बस तो फिर इस साल थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो एज यू से ऑफिसर। हमने ये टास्क ले लिया तो 3-4 दिन तो हम अलार्म लगा के सोए। हमारा मकान मालिक पानी को तरस गया। पूरे मोहल्ले ने हमें बताया कि अलार्म बजता है, अलार्म हमें नहीं बता पाया कि वो बजता है। फिर हमें किसी ने आइडिया दिया कि कुछ ना तड़कती भड़कती टोन लगा लो तुम अलार्म की, ना तुम्हारी आंख खुल जाएगी। तो यार दिल्ली में जब टंकी भर जाती तो एक आंटी की आवाज नहीं आती, पानी की टंकी भर गई है, हमने वही अलार्म टोन लगा ली। हम सो रहे हैं सुबह, वो बजा अलार्म की, पानी की टंकी भर गई है, हमने कहा वाह खुद ही भर गई है। मिरेकल बोल के सो जा रहे हैं। फिर हमें लगा एक मुर्गा पाल लेते हैं। हमने कहा वो तो 4 बजे उठा देगा, 6:30 तक क्या करेंगे, पता चला उसे ही बना के खा गए 2.5 घंटे में। फिर अगली बार से क्या बजेगा? फिर किसी ने आइडिया दिया एक काम करो तुम 6:30 तक पी लो। हमने कहा ये भी तो कर सकते हैं। तो अगले दिन 6:30 तक पिए, मोटर चला के सो गए। देखो हमारी गलती नहीं है, हमें जितना बताया जाता उतना ही करते हैं, पुलिस वाले हम। जब तक हम उठे हमारा मोहल्ला डूब चुका था। हम बैलकनी में आए तो मोमोज तैर रहे, मैं घर ऊपर आ गए। फिर अंकल ने बोला बेटा बंद भी करनी होती है। मैं कहा आप ज्यादा डिमांडिंग हो रहे हो आप। हाँ ये फालतू की बात है। अब तो हमने कहा चलो कर दे। यार बंद करना ज्यादा टफ था ना, एक तो आप देखो 6:30 तक पियो इनकी वजह से, ठीक रॉयल वैसे पीते थे हम उस टाइम, हाँ जिन्हें नहीं पता बहुत महंगी दारू आती है, प्रीमियम क्वालिटी का फिनाइल बेंच।
बाकी दारू लीवर खराब करती है, वो ले जाती है अपने साथ। वो पी पा के सुबह 6:30 बजे तक मौत की आगोश में जा चुके हैं। अब 2 सिलेक्टेड ऑफिसर्स मोटर का स्विच ऑन करके ड्यूटी पे स्विच बोर्ड देख रहे हैं। दिमाग में टंकी बन जाती थी, इतनी तो भर गई होगी। देखा तेरी कितनी भरी, तू नहाएगा? नहीं ना, भाड़ में जाए।